हेलो हेलो, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आपका इसके पिछले वाला जो क्लास था एविडेंस एक्ट का, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बीच बीच में क्लास कट जा रही थी। अतः मंडे को पुनः एक बार जो आपका आज पढ़ाया गया है उसको पुनः पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपका बीच बीच में लिंक एविडेंस एक्ट में कट जा रहा था। आइए जुरिस्प्रूडेंस शुरू करते हैं। और जुरिस्प्रूडेंस में हमने नेचुरल स्कूल मैं बता चुका हूँ, और वहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और फिर भारत में दो लेक्चर बताया गया कि नेचुरल स्कूल या प्राकृतिक विचारधारा के विचारों को भारत में कहाँ कहाँ एडाप्ट किया गया है, और नेचुरल न्याय के यानी कि प्राकृतिक न्याय के या नैसर्गिक न्याय के या नेचुरल जस्टिस के जो तीन प्रिंसिपल थे वर्तमान में हैं, तीन सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को भी मैं आपको डिटेल में बताया था। आइए अब हमें आगे बढ़ना है, और पहले आप कंसेप्ट बनाएंगे, और कंसेप्ट के बाद आपका आगे बढ़ना रहता है। देखिए कंसेप्ट आपका ये पूछा जा चुका है यूपी जेपरी में, जो प्राकृतिक विचारधारा थी, जो नेचुरल स्कूल था, जो प्राकृतिक विचारधारा थी यह फिक्शन पर आधारित थी, यानी कि यह कल्पना पर आधारित थी। प्राकृतिक विचारधारा मुख्य रूप से ईश्वर को मान्यता देती हैं, और ये कहती हैं कि कल्पना पर आधारित थी, ईश्वर को मान्यता देती हैं, और ये कहती हैं कि कानून ईश्वर द्वारा बनाया जाता है। तो इस कल्पना का विश्व में प्रतिक्रिया हुई या इसका विरोध शुरू हुआ, यानी कि लोग इसका विरोध किए, और इसी के विरोध स्वरूप विश्व में दो स्कूल उत्पन्न हुए, दो विचारधाराएं उत्पन्न हुई। एक विचारधारा जर्मनी में उत्पन्न होती हैं, और इसके उत्पत्तकर्ता या फादर सेवेनी महोदय हैं, लगभग 18वीं शताब्दी में। सेवेनी महोदय हैं लगभग, और ये आपका 18वीं शताब्दी में, और जर्मनी में जो स्कूल उत्पन्न हुआ उसे हम हिस्टोरिकल स्कूल या ऐतिहासिक विचारधारा कहते हैं। ऐतिहासिक विचारधारा या हिस्टोरिकल स्कूल। इसी के पैरल, इसी के साथ साथ प्राकृतिक विधि के विरोध स्वरूप, प्रतिक्रिया स्वरूप इंग्लैंड में भी कुछ विद्वान उत्पन्न हुए, और इंग्लैंड में जो विद्वान उत्पन्न हुए जो नेचुरल लॉ का विरोध किए, उसमें मुख्य रूप से ऑस्टिन महोदय थे, जॉन ऑस्टिन महोदय थे, और आपका इंग्लैंड में विश्लेषणात्मक विचारधारा यानी कि एनालिटिकल स्कूल का जन्म हुआ। अब आपको दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है, और क्वेश्चन भी बनाना है, और सामाजिक और राजनीतिक उदाहरण भी देखने हैं। देखिए क्वेश्चन यूपीजे में यहाँ से कैसे पूछा गया है वह पहले हम देखेंगे। यूपीजे में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राकृतिक किन दो विचारधाराओं में एक समानता पाई जाती है, ये क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है। तो आपका जवाब रहेगा हिस्टोरिकल और एनालिटिकल।
दूसरा कंसेप्ट बनाना है कि क्या समानता है, तो विचारों में या थाट में कोई समानता नहीं है। तो आखिर समानता क्या है? तो समानता ये है कि ये दोनों विचारधाराएं आपका नेचुरल स्कूल या प्राकृतिक विधि के विरोध में उत्पन्न हुई, यही समानता है। फिर अगला नया मॉडल ये बन सकता है, नया मॉडल भी बनाया जाए कंपटीशन के लिए, और वह ये बन सकता है कि प्राकृतिक विचारधारा के प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सी विचारधाराएं उत्पन्न हुई, तो दो मार्कर आएंगे कौन कौन, हिस्टोरिकल और एनालिटिकल। अगला क्वेश्चन बन सकता है आपका कि कौन सी विचारधाराएं पैरल जन्म ली, एक साथ जन्म ली, तो कौन कौन, हिस्टोरिकल और एनालिटिकल। फिर अगला क्वेश्चन बना है हिस्टोरिकल विचारधारा किस देश में जन्म ली, तो क्या मार्कर आएंगे, जर्मनी, हिस्टोरिकल स्कूल के फादर, पिता या जन्मदाता कौन है, सेविनी। और आपका ये पूछ सकता है कि हिस्टोरिकल विचारधारा कहाँ जन्म ली, जर्मनी। एनालिटिकल पर भी आ जाइए, एनालिटिकल विचारधारा के फादर यूपीजे में आ चुका है, कौन है, तो आपका जवाब रहेगा जॉन ऑस्टिन। एक और क्वेश्चन यहाँ से आया है कि आंग्ल विधि शास्त्र का यानी कि इंग्लैंड के जूरिस्प्रूडेंस का फादर कौन है, तो जॉन ऑस्टिन ही मारकर आइए। और एनालिटिकल विचारधारा का भी फादर पूछे तो जॉन ऑस्टिन, यूपीजे में ये दोनों क्वेश्चन एक बार एक साथ आ चुके हैं, दोनों आ चुके हैं। इसके बाद एनालिटिकल स्कूल कहाँ जन्म लिया, इंग्लैंड में लिया। अब दोनों में आपका चूंकि दोनों स्कूल नेचुरल लॉ के बाद जन्म लिए हैं, अतः ऐसे और पैरल जन्म लिए हैं। आपका एक उदाहरण राजनीतिक बता दिया जाए, राजनीतिक उदाहरण ये देखा जाता है, यूपी में ही देख लीजिए, बुआ और बबुआ का उदाहरण, बुआ यानी कि मायावती जी और बबुआ यानी कि हमारे अखिलेश जी, इनका उदाहरण देखा जाए, विचारों में समानता न होते हुए भी एक समानता इनमें ये है कि ये मोदी जी के ध्रुव विरोधी हैं। तो मोदी जी को मान लीजिए प्राकृतिक विचारधारा और आपका मायावती जी को हिस्टोरिकल और आपका अखिलेश जी को विश्लेषणात्मक, तो ये सही नियम रहा समझने के लिए। अब आपका जो ये हिस्टोरिकल स्कूल है, आखिर हिस्टोरिकल स्कूल में हमें पढ़ना क्या है, एक एरिया पहले कवर कर लिया जाए। हिस्टोरिकल स्कूल में कुछ विद्वान कुछ कुछ बातें कहेंगे, उनको पढ़ना है, लेकिन मुख्य रूप से दो विद्वान आएंगे, एक सेविनी और एक सर हेनरी मेन, इन्हीं दोनों को डिटेल में पढ़ना है हिस्टोरिकल स्कूल में। तो एक तो इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है, पांच छः और विद्वान आएंगे जो कम कम बातें कहेंगे, उनको कम में पढ़ना है, यानी कि चार चार पांच पांच लाइन, एक ये देखना है। और एक आपका जो सर हेनरी मेन का एक कह सकते हैं कि एक सिद्धांत है, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, परिस्थिति से या हैसियत से संविदा की ओर, ये काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, परिस्थिति से संविदा की ओर होता क्या है और भारतीय कानून में इसका कहां कहां यूज किया गया है। इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि परिस्थिति से संविदा यानी कि स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत संविधान में कहां समाहित हैं, आईपीसी में कहां समाहित हैं, तो भारत में भी हम देखेंगे और इस सिद्धांत को भी देखेंगे। फिर यूपीजे में
इसके रिवर्स गियर में पूछा गया है, इसके विपरीत सिद्धांत पूछा गया है। कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका जवाब रहेगा प्रोफेसर एलेन ने दिया। कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस का सिद्धांत किसने दिया, यानी कि सर हेनरी मेन के सिद्धांत के विपरीत सिद्धांत भी हम पढ़ेंगे, और भारत में आपका कहां कहां ये अप्लाई होता है ये भी हम डिटेल में बताएंगे। इसके बाद लास्ट में हमें पढ़ना है कि जो ये हिस्टोरिकल स्कूल वाले होंगे, क्या इनके विचारों को भारतीय कानूनों में ला के रूप में मान्यता दी गई है कि नहीं। सीपीसी में कहाँ मान्यता है, एविडेंस में कहाँ कहाँ मान्यता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ मान्यता देता है, हिंदू ला मुस्लिम ला इत्यादि कानूनों में क्या हिस्टोरिकल स्कूल के विचारकों के विचारों को वेस्टेड या समाहित किया गया है कि नहीं, ये भी हम लास्ट में डिटेल में देखेंगे। लेकिन आइए एक और कंसेप्ट बनाया जाए और तब आपका ये शुरू किया जाए। हिस्टोरिकल स्कूल पहले हम शुरू कर रहे हैं, ऐतिहासिक विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधारा हम शुरू कर रहे हैं, और ऐतिहासिक विचारधारा को दो वर्गों में बांट कर पढ़ा जाता है। एक शुद्ध ऐतिहासिक, शुद्ध ऐतिहासिक प्योर आपका पूछा जा चुका है, प्योर हिस्टोरिकल स्कूल, शुद्ध ऐतिहासिक विचारधारा, और एक विकासवादी प्रोग्रेसिव या विकासवादी ऐतिहासिक विचारधारा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। शुद्ध ऐतिहासिक विचारधारा या प्योर हिस्टोरिकल थ्योरी का जन्म जर्मनी में हुआ और इसके प्रवर्तक सेविनी थे। कौन थे? सेविनी। ये जो विचारधारा है शुद्ध रूप से आपका प्रथा रूढ़ी या प्रचलन को कानून मानती हैं। अब यहाँ भी आपको अच्छे से तैयार रखना है, प्रोग्रेसिव हिस्टोरिकल स्कूल का जन्म होता है इंग्लैंड में, ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा बनता है, और इसके फादर कौन है, इसके पिता पूछा जाए तो सर हेनरी मेन हैं इसके पिता, और मेन के क्या विचार हैं, क्यों इन्हें विकासवादी ऐतिहासिक विचारधारा कहा जाए। पिछली बार यूपीजे में जो क्वेश्चन आया था सर हेनरी मेन पर जो आया था, वह एक क्रम पूछा था कि सर हेनरी मेन ने समाज में विधि के विकास के चरणों को बताया, क्रम को बताया, और वे जो प्रक्रम हैं उसका सही क्रम क्या है। तो क्रम हम बताएंगे, चरण भी याद रखना पड़ेगा। आइए अब हम देखते हैं, जो भी अब विचारधारा पढ़ी जाएगी सबसे पहले उसका थीम पढ़ा जाएगा और तब अन्य चीज़ें पढ़ी जाएंगी। आपका जो हिस्टोरिकल स्कूल है या ऐतिहासिक विचारधारा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, थीम क्या है, एक एक थीमों को याद रखिए, क्योंकि यूपीजे में तीन चार बार, पिछली बार भी क्वेश्चन आया और तीन चार बार ये जो मैं बता रहा हूँ रिपीट किया है। पहला थीम हम ये बता रहे हैं कि विधि पाई जाती है बनाई नहीं जाती, यानी कि पहला थीम आपको ये देखना है कि विधि पाई जाती है, क्रिएट या बनाई नहीं जाती, विधि का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि कानून या ला समाज में पाया जाता है, ये किस विचारधारा का वाक्य है। तो आपका जवाब रहेगा हिस्टोरिकल स्कूल।
ये क्वेश्चन आ चुका है पिछली बार भी। दूसरा आपका पूछा है कि विधि इतिहास की उपज है, यानी कि विधि हिस्ट्री की उपज है। विधि को अगर देखना है तो हमें उसके हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। ये भी दूसरा थीम है और आपका किस विचारधारा का थीम है, हिस्टोरिकल। तीसरा थीम ये है कि विधि की उत्पत्ति पावर या शक्ति से नहीं होती बल्कि जनता के विल से होती हैं, अर्थात जनता के आपका इच्छा से होती हैं। यानी कि विधि की जो उत्पत्ति होती है वह किसी शक्ति से या संप्रभु से नहीं होती, ईश्वर से नहीं होती, सावरेन से नहीं होती, बल्कि जनता की इच्छा से होती है। जनता की इच्छा चाहे जो विधि बनाए। फिर ये विचारधारा कहती है कि जो रूढ़ या प्रथा होती है, यानी कि सीधे बताया जाए जो ये प्रथा या रूढ़ होती है, यानी कि कस्टम और यूजेज होता है, ये एक्टेड ला से, स्टेचुटरी ला से, अर्थात अधिनियमित विध से श्रेष्ठ होती हैं। अर्थात इस विचारधारा का थीम ये है कि जो प्रथा होगी या रूढ़ी होगी, यानी कि इसका मतलब जो उर्फ होगा, पूछा गया था भाई राजस्थान में भी उर्फ किसे कहा जाता है, तो दूसरा अर्थ न लगा लीजिएगा आपका, क्योंकि दूसरा अर्थ में उर्फ में लोग उपनाम भी लगाते हैं, जैसे मोदी जी उर्फ फेकू और राहुल गांधी जी उर्फ पप्पू, तो ये सब ये उर्फ नहीं है। ये उर्फ मतलब क्या हुआ, कस्टम या यूजेज, दूसरा अर्थ न लगा लीजिएगा। ये पिछली बार राजस्थान में पूछा गया था आपका जे में। देखिए फिर, जो प्रथा और रूढ़ होती है वह स्टेचुटरी ला या जो एक्ट या कोड होता है उससे श्रेष्ठ होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐतिहासिक विचारधारा वाले जो संसद कानून बनाती हैं उस कानून से प्रथा और रूढ़ को श्रेष्ठ मानते हैं, उत्तम मानते हैं। अगला इनका यह है कि विधि का विकास भाषा की भांति होता है, यानी कि जिस प्रकार किसी भाषा में नए नए शब्द हमेशा आते रहते हैं और पुराने शब्द क्या होते हैं, बाहर होते हैं, उसी प्रकार समाज में पुरानी जो प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, समय के साथ साथ वह बाहर हो जाती हैं और समाज स्वयं ही नई नई प्रथाओं को जन्म देता है। इसके बाद आपका इनका थीम ये है कि आपका इनका थीम अगला थीम ये है कि विधि सार्वभौमिक बाध्यता प्राप्त नहीं होती, यानी कि जो ला होता है, यानी कि जो प्रथा या रूढ़ होती है वह यूनिवर्सल नहीं होती। यूनिवर्सल का मतलब ये हुआ कि विश्वव्यापी नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रथा और रूढ़ केवल उस देश में अप्लाई करती है जिस देश की वह प्रथा है, और एक प्रथा और रूढ़ को पूरे विश्व में मान्यता नहीं प्राप्त होती। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रथा रूढ़ किसी देश के लिए होती है, वह पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त नहीं होती। अगला इनका आपका ये है कि विधि का एक राष्ट्रीय स्वरूप होता है, विधि का एक राष्ट्रीय स्वरूप होता है, और इसी राष्ट्रीय स्वरूप को जो नेशनल आपका फार्म है, इसको आपका सेवनी महोदय ओकजिस्ट कहेंगे,
ओकजिस्ट मतलब नेशनल स्पिरिट, नेशनल स्पिरिट का मतलब हुआ राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय भावना को थोड़ा एक लाइन यहाँ समझना है उदाहरण देकर। राष्ट्रीय भावना कब जागृत होती है? तो राष्ट्रीय भावना आपका कह सकते हैं कि जब किसी देश के लोग एक विषय के बारे में एक जैसा कंडक्ट करने लगते हैं, एक जैसा आपका व्यवहार करने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि उस देश में नेशनल स्पिरिट आ गई है, राष्ट्रीय भावना आ गई है और वह कानून मान लिया जाता है। उदाहरण हम बताएंगे आपका, यहाँ आपका दो उदाहरण नेशनल स्पिरिट पर देखना है। और राष्ट्रीय भावना जगाकर तमाम राजाओं ने अपना शासन किया, तमाम कत्लेआम किए गए, इसमें कोई शक नहीं है। और हम पहले, उसके बाद में दूसरा आदमी। देखिए एक दो उदाहरण देखा जाए, एक ट्रंप का उदाहरण देखा जाए। पिछली बार जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप थे तो उन्होंने लोगों की, अमेरिका के लोगों की राष्ट्रीय भावना जागृत की और ये कहा कि हम बाहरियों को बाहर करेंगे और अमेरिका में रोजगार इत्यादि जो हैं वह किसके लिए होगा? केवल अमेरिकी लोगों के लिए। और इस राष्ट्रीय भावना में लोग आकर वोट दे दिए, किसको? आपका ट्रंप को। मोदी जी ने भी यही 2014 के चुनाव में किया, भारत में नेशनल स्पिरिट को उजागर किया, यानी कि लोगों में राष्ट्रीय भावना को क्या किया, भड़का दिया, पैदा किया। और मोदी जी रोज भाषणों में पाकिस्तान को गाली देते थे, उल्टा सीधा बोलते थे और कहते थे कि कांग्रेस की सरकार निकम्मी है, इसमें ये नपुंसक है सरकार, इसमें क्षमता ही नहीं है कि पाकिस्तान से दो दो हाथ कर सकें, अगर मेरी सरकार आ गई तो दो सिर के बदले हम कितना काट कर लाएंगे, 20 सिर। और लोग इस पर विश्वास किए और विश्वास करके क्या दिए, वोट। तो ये नेशनल स्पिरिट बहुत खतरनाक होता है, मैं बता दूं। कहीं अच्छा भी होता है तो कहीं क्या होता है, बुरा भी होता है, अच्छा भी है तो बुरा भी है। आप लोगों में भी एक आपका जागृति होनी चाहिए कि मनोज सर पढ़ा रहे हैं इस परिवार पर, तो आपका कर्तव्य है कि आप अच्छे से पढ़िए, अपनी भावनाएं जगाइए, लेकिन गलत नहीं, सही ढंग में जमाइए, आपका भावना जागृत करिए और एक एक छोटी छोटी बातों पर गौर करते हुए आप पढ़िए। तो नेशनल स्पिरिट आगे हम बताएंगे डिटेल में। इस विचारधारा का जो अगला सिद्धांत है वह सिद्धांत ये है कि जो विधि के पीछे जो एक्चुअल सेंसन होता है, वास्तविक शास्ति होती है या वास्तविक जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, वह आपका समाज का होता है। इसका मतलब कि सामाजिक प्रेशर के कारण ही लोग प्रथा और रूढ़ का क्या करते हैं, पालन। ये आपका प्रेशर क्रिएट करना है, यानी कि क्यों लोग कानून का पालन करें। यहाँ से भी UPJ में क्वेश्चन बना है और किसके पीछे क्या प्रेशर होता है, 2-3 कोरिलेशन अच्छे अच्छे किया जाए ताकि आपका जुरिस्प्रूडेंस के साथ और भी आपका क्वेश्चन याद रखिए। तो प्राकृतिक विचारधारा वालों के अनुसार प्रेशर किसका होता है, ऐतिहासिक विचारधारा वालों के अनुसार किसका होता है, फिर विश्लेषणात्मक विचारधारा वालों के अनुसार क्यों लोग पालन करते हैं, फिर फंडामेंटल राइट यानी कि संविधान में हम क्या देखेंगे, मौलिक अधिकार देखेंगे, फिर DPS देखेंगे
यानी कि नीति निदेशक तत्वों के पीछे। ये क्वेश्चन आपका यूपीजे में आ चुका है, मौलिक अधिकार के बारे में आपका इंटरव्यू में पूछा है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक एक करके देखिए। नेचुरल स्कूल वालों के अनुसार यदि आप नेचुरल लॉ का पालन नहीं करते तो जो दंड दिया जाएगा या जो सेंशन होगा या एक्चुअल सेंशन या दबाव होगा वह प्रकृति का होगा, नेचर का होगा, अर्थात आपको कौन दंड देगा, ईश्वर ही क्या करेगा, दंडित करेगा। और आप देख सकते हैं तमाम फिल्में भी इस पर बनी हैं। और आपका सबसे जो भारत में बना है पीके फिल्म बनी है और पीके फिल्म में यही दिखाया जा रहा है कि लोग भगवान का डर दिखाकर कैसे जनता का शोषण करते हैं और शोषण कैसे करते हैं। आज भी ज़्यादातर जो आपका रंगा सियार हैं यानी कि बहुरूपिया लोग हैं यही करते हैं, भगवान का डर दिखाकर और आम जनता का शोषण करते हैं। इसमें कोई शक शुबह की बात नहीं है, ये ट्रू है आपका। ज़्यादा लोग यही कर रहे हैं कि भगवान का डर दिखाकर और आम जनता का क्या कर रहे हैं, शोषण। और ये आपका नेचुरल लॉ वाले भी बताते हैं। लेकिन वर्तमान समय में आईपीसी का सेक्शन भी जोड़ लेना है। अगर कोई दैवीय प्रकोप का भय दिखाए और आपसे कोई वस्तु ले कोई कार्य कराए तो ऐसा व्यक्ति आईपीसी के सेक्शन 508 के तहत दंड का भागी होगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति अपराध के लिए दंडित किया जाएगा आईपीसी की किस धारा के तहत, तो 508। देखिए हिस्टोरिकल वाले क्या कहते हैं। हिस्टोरिकल वालों का ये मानना है कि यदि कोई व्यक्ति कस्टम और यूजेज का पालन नहीं करता तो ये जो सोसाइटी हैं, समाज हैं, यही दंड देता है। यानी कि कानून प्रथा और रूढ़ पालन करने का कारण क्या है, व्यक्ति किससे डरता है, सोशल प्रेशर से। अब आइए एक दो उदाहरण इस पर देखा जाए। जैसे कि आपका इंटर कास्ट मैरिज ही देखा जाए, अंतर जातीय विवाह कानून द्वारा मान्य है, फिर भी आज भी भारत में ज़्यादातर लोग इस विवाह को मान्यता नहीं देते। और अगर कोई लड़का और लड़की इंटर कास्ट मैरिज कर लिया है तो आप देखते होंगे आनर किलिंग तक कर दी जाती है, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है और गांवों में तो कुजात छांट दिया जाता है कि आपके दरवाजे पर न कोई जाएगा, न कोई खाएगा, न कोई बैठेगा, न कोई पानी पिएगा। ये जो प्रथा है आपने उल्लंघन किया है, कानून दंड नहीं देता बल्कि किसका प्रेशर रहता है, समाज का। अब एनालिटिकल वाले आ जाइए, जो विश्लेषणात्मक विचारधारा वाले विद्वान हैं ये मानते हैं कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, विद संप्रभु का समादेश है। यानी कि कानून सॉवरेन ने बनाया है, यदि सॉवरेन द्वारा बनाए गए कानून या लॉ का आप पालन नहीं करते तो ये जो सॉवरेन या संप्रभु हैं ये सेंशन देगा, ये अनुशासन देगा। अर्थात विश्लेषणात्मक विचारधारा के अनुसार लोग डरवश, भयवश, संप्रभु के डरवश कानून का पालन करते हैं। यानी कि आपका डरवश करते हैं, नैतिकतावश नहीं। और आपका मौलिक अधिकार आ जाए, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये पूछा गया है जे में, तो इसको भी कोरिलेट कर लिया जाए। फंडामेंटल राइट के पीछे सेंशन क्या है, दबाव क्या है,
यानी कि प्रेशर क्या है, अर्थात क्यों राज्य हमारे फंडामेंटल राइट को आपका मानने के लिए बाध्य होता है, तो इसके पीछे जो प्रेशर है वह जुडिशरी का है, न्यायपालिका का। क्यों? क्योंकि अगर स्टेट फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो यह एक्शनेबल है, वाद योग्य है, और 226 के तहत हम हाई कोर्ट या आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आदेश देकर हमारे मूल अधिकारों की क्या करता है, रक्षा। अब आया नीति निदेशक तत्व, जो यूपीजे में पूछा गया था कि नीति निदेशक तत्व या डीपीएस जो हैं इसके पीछे अनुशासित क्या है, सेंशन क्या है। तो आपका आर्टिकल यानी कि 36 से लेकर 51 तक में आपका नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं संविधान में, और यह एक्शनेबल नहीं है, वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसका अगर राज्य पालन नहीं करता तो आप कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते, तो आखिर राज्य क्यों पालन करे, ये पूछा गया। तो लोक दबाव, लोक मत के कारण, जनता के दबाव के कारण यानी कि पब्लिक के प्रेशर के कारण ही क्या होता है, राज्य इसका क्या करता है, पालन। तो लोक मत मार कर आइएगा या जनमत, पब्लिक का प्रेशर होता है, यह यूपीजे में क्वेश्चन आ चुका है। इस प्रकार हमने हिस्टोरिकल स्कूल का अभी थीम बताया। अब आइए, चूंकि हिस्टोरिकल स्कूल के जो फादर थे वह सेविनी महोदय थे, और आपका जर्मनी में इसका जन्म हुआ, शुद्ध ऐतिहासिक विचारधारा का। लेकिन सेविनी से पूर्व भी कुछ विद्वान हुए जो हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक विचारधारा को आगे बढ़ाए। लेकिन इसके पहले कि हम हिस्टोरिकल स्कूल शुरू करें, कम से कम एक या दो उदाहरण बताया जाए और तब आपका विद्वानों पर आया जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा विद्वान है भी नहीं, मुख्य रूप से दो ही विद्वान पढ़ने हैं, सेविनी और मेन को। लेकिन एक उदाहरण हम बता रहे हैं, एक उदाहरण आपका घास का मैदान, ये यूपीजे में दो तीन बार आ चुका है। जैसे ही आपको दिखाई दे घास का मैदान, तो इधर उधर न देख के हालैंड मार दीजिएगा, ये किसने उदाहरण दिया है, 5-6 लाइन लिखा रहेगा, और जैसे ही आपका फील्ड ऑफ ग्रास आ जाए, घास का मैदान का उदाहरण आ जाए, तो आप क्या मारेंगे, हालैंड। दूसरा उदाहरण हम बता रहे हैं सेवन स्टेप का, सप्तपदी, सप्तपदी का बताएंगे, दो ही उदाहरण बताया जाए शुरुआती दौर में। और तीसरा आपका जो पढ़ना है, तीन शब्दों को जान लेना है, प्रचलन। प्रचलन यानी कि इसको चलन भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे फैशन कहा जाता है। प्रचलन के बाद आती है कस्टम यानी कि प्रथा आती है, और प्रथा के बाद यूजेज यानी कि रूढ़ी आती है। और ये जो प्रथा और रूढ़ी हैं इसे उर्दू में उर्फ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उर्फ। पहले उदाहरण देखिए, तब इन तीनों शब्दों पर गौर करिए और तब विद्वानों का हम पढ़ाएंगे, ताकि एकदम जड़ से चला जाए, यानी कि अगर जड़ से आप मजबूत रहेंगे तो कितना भी आंधी पानी आ जाए आप डिगेंगे नहीं। देखिए इसका भी उदाहरण, अगर आपको किसी कानून की जड़ पता है या किसी सेक्शन का आपका जड़ या मूल या रूट पता है, तो
तो चाहे आयोग कितना ही कठिन क्वेश्चन बना दे, अगर जड़ मजबूत है तो आपका पेड़ गिरने वाला नहीं है, यानी कि आप हर हाल में उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, बता ले जाएंगे। तो मेरा लगातार प्रयास रहता है कि चाहे आपका कोई पढ़ा हो लड़का ना पढ़ा हो, यानी कि चाहे वह ज्ञाता हो ज़्यादा या कम ज्ञाता हो, ऐसा पढ़ाया जाए कि सबको साथ लेकर चला जाए, यानी कि जो न जानता हो उसके भी समझ में आए और जो जानता हो उसके भी, और एकदम जड़ से कोई बात उठाई जाती है पहले उसका मूल बताया जाता है, तब शाखाएं और पत्तियां बताई जाती हैं। तो आइए जड़ देखा जाए। ये क्वेश्चन आपका जो घास का मैदान है यूपीजे में आ चुका है, किसने दिया था, तो किसने दिया था, हालैंड ने। और ज़्यादा लोग मार कर आ जाते हैं सामंड, सामंड बिल्कुल नहीं मारना है, क्या मारना है, हालैंड। ये गलती ज़्यादा लोग करके आते हैं। देखिए इसमें मान लीजिए कि दो गांव हैं और दो गांवों के बीच में घास का मैदान है। एक गांव से एक व्यक्ति घास के मैदान के बीचों बीच होकर गुजरता है और उससे देखा देखी दूसरे लोग भी उसी घास के मैदान के बीचों बीच से आने जाने लगते हैं। इसे हम फैशन कहेंगे, चलन कहेंगे, प्रचलन कहेंगे। अगर यही प्रचलन लंबे समय तक रहा, भारत में कोई टाइम नहीं दिया गया है, लंबे समय तक क्या रहे, दोनों गांवों के लोग उसी रास्ते से आने जाने आते जाते रहे, तो ये जो फैशन होगा अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कस्टम में, यानी कि प्रथा में। और जब ये स्मरणातीत हो जाए, यानी कि किसी व्यक्ति को ये स्मरण ही न रहे, मेमोरी में ही न रहे कि कब से इस रास्ते से दोनों गांवों के लोग आ जा रहे हैं, तो ये जो फैशन है, जो कस्टम बना था, अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूढ़ में, यूजेज में। ये भी ध्यान में रखना है। अब ये ध्यान में रखना जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि रूढ़ प्रथा और रूढ़ में क्या अंतर है। तो प्रथा और रूढ़ यानी कि कस्टम और यूजेज दोनों प्राचीन होते हैं, तो आखिर डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस आपका ये है कि प्रथा स्मरणातीत नहीं होती, लेकिन जो रूढ़ होती है वो क्या होती है, स्मरणातीत। कब से ये परंपरा आ रही है, कब से ये ट्रेडिशन आ रहा है, इसको कोई जानता ही नहीं है, तो वहीं फैशन क्या हो जाएगा, रूढ़ यानी कि यूजेज। अब आपका ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन आपका विधि माना गया है, किसे। ये भी अच्छे से तैयार रखिएगा इंटरव्यू का है। फैशन को ला नहीं माना गया है, लेकिन आपका जो प्रथा है और क्या है, रूढ़, इसे विधि का दर्जा प्राप्त है और आपका कई कानूनों में प्राप्त है, लेकिन बस एक उदाहरण हम यहाँ देंगे केवल कॉन्स्टिट्यूशन का और भारतीय संविधान के आर्टिकल 13(3)(a) में। आपका प्रथा और रूढ़ को ला माना गया है, इसमें कोई शक नहीं है। 8 बातें ला में समाहित हैं, 8 बातें, और उन 8 बातों में से 2 बातें कौन हैं, प्रथा तथा रूढ़। दूसरा हम उदाहरण दे रहे हैं 7 स्टेप का, ताकि समझ में आए। देखिए आपका गाना होना भी बना है कि जब तक पूरे न हुए रे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा के। वो गाना पर भी गौर कर लीजिए और गाने का ही उदाहरण देखिए। अब समस्या ये है, 7 स्टेप पूछा जाता है इंटरव्यू में,
सेवन स्टेप यानी कि केवल और केवल सातवां फेरा, सातों नहीं केवल कौन, पहला फेरा को फर्स्ट स्टेप, दूसरे को सेकंड स्टेप, इसी तरह सातवां फेरा होता है तो हम उसको केवल सातवें फेरे को हम क्या कहते हैं, सेवन स्टेप या सप्तपदी। अब हिंदुओं में ये मान्यता है कि पवित्र अग्नि के समक्ष मंत्रोच्चार होते हुए जब तक कि सातवां पग पूरा न हो जाए, सातवां फेरा पूरा न हो जाए, तब तक विवाह पूर्ण नहीं होता। अब समस्या ये आई कि कोई न कोई ऐसा प्रथम व्यक्ति तो होगा जो इस प्रक्रिया द्वारा अपना मैरिज संपन्न कराया होगा, विवाह संपन्न कराया होगा। मान लीजिए कोई कराया होगा सर्वप्रथम, आप जैसे लोग उस समय बारात में गए होंगे, नागिन और मोरनी डांस और शौचालय डांस करते हुए काफ़ी खाए पिए होंगे, फल फूल कंद मूल जो भी हो, और आप जाकर अपने जब गांव में गए होंगे तो रायता जैसे इस बात को फैलाए होंगे कि हमने तो ये देखा ऐसे विवाह हुआ, और अब गांव के लोग भी उसी देखा देखी वैसे ही विवाह क्या करने लगे। और ये धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे भारत में फैल गया। तो जैसे ही पूरे भारत में फैला, नेशनल स्प्रिट जन्म ले ली, यानी कि राष्ट्रीय भावना, और इसी को सेवनी क्या कहते हैं, ला कहते हैं, और इसी को कहा जाता है नेशनल स्प्रिट या ओक जिस्ट कहा जाता है, ओक जिस्ट। यानी कि अब ये आया कि कौन, क्या कोई व्यक्ति बता सकता है कि ये जो ट्रेडिशन है कब से चल रही है, किसी को पता नहीं है, बस पालन करते रहना है, तो ये अब स्मरणातीत हो गई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रूढ़ कहेंगे, यूजेज। तो ये इंटरव्यू में पूछा गया है, प्रथा और रूढ़, फिर एक बार हम बता दें, प्रथा और रूढ़ दोनों एंशियंट होती हैं, लेकिन प्रथा स्मरणातीत नहीं होती, जबकि रूढ़ स्मरणातीत होती हैं। अब आइए आपका दो उदाहरण के बाद आपका विद्वानों का देखा जाए। सेवनी से पहले कुछ विद्वान हिस्टोरिकल स्कूल के माने जाते हैं, जिन्होंने थोड़ी थोड़ी बातें ऐतिहासिक विचारधारा के बारे में कही थी, और उसमें पहले विद्वान आते हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू देखा जाए आपका, अभी बिहार जे में भी ये पूछा गया था, मॉन्टेस्क्यू से हम शुरू करते हैं। देखिए आपका मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू से अभी बिहार में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, और जब भी कोई विद्वान पढ़ाया जाए तो प्रयास ये किया जाए कि उस विद्वान के बारे में जो आपका सामान्य बातें हैं उसको भी बताया जाए, और अन्य कानूनों में जो बातें आ रही हैं उसको भी बताया जाए। ये मॉन्टेस्क्यू महोदय फ्रांस के थे, ये याद रखना है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति पृथककरण का सिद्धांत। सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति पृथककरण का सिद्धांत, तो बिहार में यही पूछा गया कि सेपरेशन ऑफ पावर किसने दिया था, तो मॉन्टेस्क्यू ने पूछा गया था इसी बार। इनका मानना है कि जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उसके तीन पार्ट होते हैं, तीन अंग होते हैं, एक लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, दूसरा जुडिशरी न्यायपालिका, और तीसरा एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। इन तीनों के कार्य अलग हैं, इन तीनों के कार्य करने वाले अलग होने चाहिए, और तीनों
एक दूसरे से साठ गांठ न करें, यानी कि एक दूसरे की शक्ति का प्रयोग न करें, तब लोगों के अधिकार क्या होंगे, बने रहेंगे। इन्होंने आखिर कहा क्या? इन्होंने एक किताब लिखी और वही किताब पूछी जाती है आपका स्प्रिट डी ला नेशन। स्प्रिट डी ला नेशन इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय लोक चेतना। राष्ट्रीय लोक चेतना जब सवनी महोदय उपजिष्ट का सिद्धांत देंगे तो इसी किताब का सहारा लेंगे और आपका और राष्ट्रीय लोक चेतना जो प्रेरित हैं सेवनी महोदय की, वह किससे प्रेरित हैं? मॉन्टेस्क्यू से। तो आगे आपका मंडे को मॉन्टेस्क्यू के बारे में और बताया जाएगा, लेकिन जो कोरिलेट करके बताया जा रहा है उसको हर हाल में तैयार रखिए, क्योंकि आपका 20-25 क्वेश्चन इतिहास गवाह हैं कि मनोज सर जो पढ़ा देते हैं 20-25 क्वेश्चन कंपटीशन में कोरिलेशन का आता है। धन्यवाद।